बीते दिन जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों और भारतीय सेना के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आतंकियों से लोहा लेते हुए यूपी के अलीगढ़ के गांव नगरिया गुरोला निवासी 24 साल के पैरा कमांडो सचिन लौर इस मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद जवान सचिन की 8 दिसंबर को शादी थी। मथुरा के मार्ग में उनकी बारात जानी थी। परिवार में शादी की खुशियों और तैयारियों के बीच उनकी शहादत की सूचना पहुंचने पर इलाके में कोहराम मच गया। हर जगह चीख पुकार मच गई। बलिदानी सचिन का पार्थिव शरीर शुक्रवार यानी आज टप्पल पहुंचेगा। यहां राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। आपको बता दें कि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गुरुवार को जब बलिदानी के परिजनों को बेटे के बलिदान होने की खबर मिली तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट गया। किसान पिता रमेश चंद और मां भगवती देवी सदमे के कारण बेहोश अवस्था में पहुंच गए। आपको बता दें कि शहीद जवान सचिन लौर के बड़े भाई विवेक लौर भी भारतीय जल सेना यानी नेवी में है। सचिन लौर 20 मार्च 2019 को आर्मी में भर्ती हुए थे। 2021 में स्पेशल फोर्स में वो कमांडो बन गए थे। वर्तमान में राजौरी के पैराटू रेजिमेंट में वो तैनात थे। राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ से पहले सचिन ने बड़े भाई विवेक से फोन पर बात की थी। उनको बताया था कि सब कुछ ठीक है, ऑपरेशन चल रहा है। भाई से वादा किया था कि ऑपरेशन के बाद बात करेंगे, लेकिन इसके बाद बात ही नहीं हो पाई। गौरतलब है कि राजौरी के कालाकोट के बाजीमल में बुधवार को ही मुठभेड़ में आतंकियों से लोहा लेते हुए सेना के 9 पैरा कमांडो रेजिमेंट के 2 अधिकारियों सहित 5 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। शिवालिक जनरल पैरा कमांडो सचिन लौर को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ईश्वर शोकाकुल परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। जय हिंद, जय भारत।